2 महीने तक मुझे बड़ा गोश्त खिलाया, बड़ा गाय का गोश्त मुझे जानवरों की तरह खिलाया उसने, और जानवरों की तरह ऐसा बाल पकड़ के मुंह में ऐसा पकड़ के डालता था वो। और जब भी मैं खाना खाती थी वो यही बोलता था कि ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं भगवान को भी यही बोलता था कि तुम्हारे बाप 100 है, हमारे बाप 1 है। अभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी मैं अपनी एक बहन के साथ बैठा हूँ, और आपको याद होगा कि मैंने बहुत जमीनी ग्राउंड लेवल पर तैयारी की और लोगों को एकजुट किया, और बहनों को, कई एक बहनों को, हजारों बहनों को मैंने प्रेरित करके द केरला स्टोरी देखने के लिए प्रेरित किया, बहनों को फ्री ऑफ टिकट देके दिखलाया। कारण क्या था मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। आप देखिएगा, जो लोगों ने ये बोला कि ये लोगों के बीच में दंगे फसाद कराने वाली मूवी है, ये प्रोपोगंडा पे आधारित ये द केरला स्टोरी है, आइए ना आज मैं आपको सत्यता से जांच कराता हूँ, सत्यता से मैं आपको परिचित कराता हूँ। अपनी बहन से उनके उनपे हुई जो दम कहिए दयनीय और घिनौनी कृत्य जो है, ये बहन अभी आप लोग के समक्ष रखेगी। कारण है रखने का ना, कहा जाता है हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे भारत देश में जो महिलाओं की जो लज्जा होती है ना, वही उसकी संस्कृति होती है, वही उसका सम्मान मान सम्मान होता है, उसकी लज्जा। लेकिन क्या करेगी वो महिला, क्या करेगी वो बहन, और क्या करेगी वो बेटी जब उसको तार तार कर दिया जाता है ऐसे ऐसे घिनौने और ऐसे ऐसे अमर्यादित और ऐसे ऐसे अधर्मियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से द केरला स्टोरी में आपने देखा उससे बढ़ के किया जाता है। तो मजबूरन कैमरे में आकर के हम जैसे छोटे भाइयों से ये अनुरोध करती है, लोगों के पास जाके बताती है, और एक उम्मीद के साथ बताती है कि कोई तो मेरी आवाज को आगे ले जाए, कोई तो मुझे न्याय दिला दे। साक्षी ने भी न्याय की गुहार लगाई थी, किसी ने मदद नहीं की, आज उस दिन इस दुनिया में नहीं है। बहन के पास समय है, बहन यहाँ पे है, ये हिम्मत नहीं हारी, ये मजबूत है, और अपने मजबूत हौसलों से आप तक पहुंचना चाह रही है, आप तक अपनी बातों को रखना चाह रही है। तो बहन को जरूर सुनिएगा, और आपसे अनुरोध मैं ये करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और ये बड़े बड़े अधिकारियों को टैग जरूर कीजिएगा, कहीं ना कहीं इस बहन को न्याय मिले, और कहीं ना कहीं इस बहन पे जो आप बीती है वो दूसरे बहन के साथ ना बीते। बहन सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश की हूँ, आंध्र प्रदेश की हूँ, जो केरला मूवी के लिए बोल रहे हैं कि अंदर से लोगों को लड़ाई करने के लिए ये सब, मेरे को पूरा कम्प्लीटली हिंदी नहीं आती है, प्लीज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो लड़ाई करने के लिए बोले, हाँ अंदर सब लड़कियों को हो रही थी, अंदर एक एक हलट हो गया सबको कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए अंदर से जो दर्द है उनका बाहर निकल रही है, वो दर्द बाहर निकलने की सबको परेशानी हो रही है। वो किस चीज के लिए परेशानी हो रही है कि औरत ये भी नहीं बता सकती, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मुझे ये परेशानी हो रही है, तो कहाँ जाए औरत लड़कियां कहाँ जाए, कभी कोई मारता है, कभी कभी रेप कर देता है, कभी टुकड़े कर देता है, कि औरत के यही है, औरत की जिंदगी बस यही है, कुछ नहीं है औरत का। मैंने उसको ऊपर कंप्लेंट करा सोएब नाम के, सोएब खान के डॉक्टर बोल के जो खेल खेल रहा है डॉक्टर डॉक्टर बन के, तो उसके नाम पे मैंने कंप्लेंट करा था केरला मूवी आने से पहले, 7 मंथ्स हो रहा है, तो उनके कंप्लेंट करने बाद वो 1 मंथ 15 डेज में बाहर आ गया। तो बस यही है, लड़कियों को भी मार भी सकता है, लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकता है, बस 2-3 महीने की बात है वो बाहर आ जाएंगे ऐसे। यही हमारे दिल्ली के मतलब कानूनी क्या हेल्प नहीं कर सकते, क्या उसको बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्या पैसे होना जरूरी है? मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरा बस एक क्या बोलते हैं शरीर के साथ और आत्मा के साथ मैं तो मर गई हूँ, लेकिन मैं ये उसको सदा तो मैं दिलवा के रहूं। आप बहन आराम से भावुक तो होगा, दर्द है, दर्द तो दिखेगा ही, बहन बोलते बोलते रोगी ही, लेकिन मैं चाहूंगा बहन आप सहम करके लोगों को मजबूती के साथ बतलाइए कि सबसे पहले सोएब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, किस प्रकार से आपको अपने जाल में फंसाया और क्या क्या किया वो बताइए आप। सर
मुझे उन्होंने क्लिनिक पर बुलाया था, क्लिनिक पर बुला के उनके नाम स्वैब बताया था, उसके नाम सीनू बताया, सीनू बताया था। देखिएगा, गौर कीजिएगा, सीनू अपना नाम उन्होंने बताया, बाद में पता चला ये सीनू नहीं है, स्वैब है। तो सीनू नाम का मैं यहाँ पर क्लिनिक पर काम करता हूँ कि कोई बात नहीं, आपको मैं दवाई देता हूँ। तो ऐसा बोल के उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोला, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे बोल के मुझे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोला। फिर बाद में उन्होंने ऐसे, मतलब ग्लूकोज जैसा चढ़ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल होश में नहीं थी, 1.5 आवर मैं बिल्कुल ही बेहोश हाल में थी। तो होने के बाद उन्होंने फोटोज और वीडियोस पता नहीं क्या क्या उसमें ले लिया, फिर जब से लेके ब्लैकमेल करता रहा, कभी बच्चों को मारने के लिए धमकी देता था, कभी मुझे वीडियो वायरल करने के लिए बोलता था, कभी मेरे हस्बैंड को बताने के लिए बोलता था, कभी मेरे ससुराल वाले को बताने के लिए बोलता था, कभी तेरे मम्मी को भेजने के लिए बोलता था, ये धमकी देता था। और जहाँ किराए पर रहती हूँ वहाँ आके मुझे धमकी देता था सर। ऐसे परेशान होके मैंने उसके ऊपर कम्प्लेंट करने के लिए गई, कम्प्लेंट दिया ने पुलिस वालों ने, फिर बजरंग वालों ने मेरा इतना हेल्प करा, बजरंग दल ने। हाँ, तो गौर से सुनिएगा, जो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, बहन बता रही है कि बजरंग दल वालों की तरफ से इनको मदद की गई, पूरा के पूरा 12 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उन्होंने पूरा के पूरा वहीं वेट करा। लेकिन बजरंग वाले को कोई मुझे अंदर ने भेज, पुलिस वालों ने अंदर आने के लिए मना कर दिया। मेरे को अकेले को कम्प्लेंट लिखने को, मेरे को हिंदी नहीं आता, उनकी मर्जी से उन्होंने कम्प्लेंट भी उनके कॉपी उन्होंने लिखवाया, फिर उन्होंने कम्प्लेंट, फिर उन्होंने देखा कि सही लिखा या गलत लिखा, बजरंग वालों ने पूरा हेल्प करा और फिर उसको भेजा जेल जी। तो जेल भेज, बजरंग दल वालों को तो जेल भेजा गया। हाँ, नहीं, पहले भेजा जी, पहले भेजने के बाद उन्होंने फिर उसके जीजा मेरे को धमकी दे रहा था, तो मैंने बजरंग वाले को बोल दिया कि सर मेरा, उसके जीजा ने मेरे को फिर से धमकी दे रहा है। तो बजरंग भाई लोगों ने उनके एक भाई को भेजा मेरे साथ, फिर कम्प्लेंट करने के लिए बोला, फिर कम्प्लेंट करी मैंने, लेकिन पुलिस वालों ने कोई नहीं, कोई भी कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं करा उसके भाई के खिलाफ। अच्छा, वो आपके साथ मतलब कि जो वीडियोस बना लिया था आपको, आप इलाज कराने के लिए वहाँ पे गई थी। हाँ। और फिर जब आपका उसने वीडियो बना लिया, उसके बाद फिर आपको ये कहने लगा कि तुम्हारी वीडियो को तुम्हारे बच्चे को दिखा दूंगा, या तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, तुम्हारे पति को दिखला दूंगा, तुम्हारे सास ससुर को दिखला दूंगा, तुम मेरे साथ फिजिकली रिलेशन में आओ। हाँ। और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ा मजबूरन। नहीं सर, मैं गई नहीं, मैं गई। अच्छा। कभी काम पे जाते ऐसे मुझे गाड़ी में लेके बिठा देते, जबरदस्ती बिठा लेते थे। अच्छा। और 2 महीने तक सर उनके क्लिनिक के पास में मुझे उसके 2-3 बिल्डिंग है, घर है जी, जी, लेकिन जी। फिर भी मेरे को उसके क्लिनिक के पास में एक कमरा लेके उधर मेरे को रख के 2 महीने तक मुझे बड़ा गोश्त खिलाया, बड़ा गाय का गोश्त मुझे जानवरों की तरह खिलाया उसने, और जानवरों की तरह ऐसा बाल पकड़ के मुंह में ऐसा पकड़ के डालता था वो, और जब भी मैं खाना खाती थी वो यही बोलता था कि ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे घर के पास भी हम पूजा करते हैं, हम परमा में हैं, तो हम अक्षय तृतीया के दिन हम गोल्ड को वैसे ज्वेलरी के टाइप पे नहीं लेते हैं, हम बिस्किट गोल्ड लेते हैं, तो वो भी माता रानी के पास रखे थे, वो भी ये बोल के ले लिया उन्होंने कि ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मेरा हो गया, अब तुम्हारा नहीं है, ले लिया उसने ऐसे करके। मेरे भगवान को भी यही बोलता था कि तुम्हारे बाप 100 है, हमारे बाप 1 है। हाँ, मेरे बाप 100 है लेकिन अलग अलग है, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है। ये तकलीफ है आप देख सकते हैं, इसलिए द केरला स्टोरी को लेकर के मैं बहनों से प्रेरित करता था, बहनों को बोलता था। यहाँ बहन खुद से ट्रैपिंग में फंसी नहीं, किसी प्रेम में नहीं फंसी, क्योंकि पहले से शादीशुदा थी। बहन इलाज कराने के लिए गई थी, इलाज करने के दौरान आपने सुना बहन से क्या इनके साथ किया गया, इनका वीडियोस बनाने के बाद लगातार टॉर्चर किया गया, रूम पे रख करके गौ माता का, जो हम जिसे माँ कहते हैं, उनका मांस इन्हें खिलाया गया, और उसके बाद इन्हें प्रताड़ित किया गया मानसिक और शारीरिक रूप से। उसके बाद अंततः आपने बता भी रहा था कि मुझे बताया था आपने कि आप पे झूठे केस करके आपको ही उल्टा जेल में डाल दिया। उल्टा जेल में डाला 23 डेज सर।
23 डेज जेल में भी बहन रही। अब उनपे भी केस किए हैं, वो भी जेल में है वो बाहर है? नहीं वो तो बाहर आ गया, बाहर आ गया केस हुआ, वो बाहर आ गया, क्लिनिक खोल के रह रहा है सर। वो क्लिनिक खोल के, वो भी उसकी भाई भी क्लिनिक खोल के रह रहा है। उसके भाई भी सर जेल जा चुका है 2021 को बाल्मीकि के उसमें केस में, ऐसे उसने उसने भी वैसे करा था 16 ईयर्स लड़की को, तो वो भी जेल जा चुका। और ये सोहेब खान भी जेल जा चुका, उसका छोटा भाई पंडित को मारा था वो भी जेल जा चुका। सबके सब जेल जाते हैं, 1 मंथ 2 मंथ में बाहर आ जाते हैं। और मुझे परसों उन्होंने ये तो कर दिया, और मैं बता नहीं सकती, उसकी भाई ने गंदा सा मूवमेंट करके मेरे को ये बोल रहा है कि मैं बता नहीं सकती, जैसे बोल रहा है सर प्लीज मेरे को ये न्याय दिला दो, क्योंकि मेरे पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर टैग कीजिएगा बड़े बड़े अधिकारियों को। और मैं कोशिश करूंगा, बहन से निवेदन भी है कि आपकी जो FIR कॉपी है मैं कानूनन कोशिश करूंगा इस पे दखल देने की, मतलब कि प्रयास करने की कि आप, क्योंकि यहाँ के न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, यहाँ के भारत के संविधान पे मुझे पूर्ण विश्वास है और उसके तहत न्याय जरूर मिलेगी बहन। वकीलों से जो मदद हो पाएगी मैं मदद करने का कोशिश करूंगा, आप उसकी FIR कॉपी मुझे अवेलेबल करा दीजिएगा। मैं कमेंट पे आप कोशिश करूंगा कि FIR कॉपी में अगर उसमें किसी तरह का इनकी इनकी निजी दस्तावेज अगर नहीं सार्वजनिक होती है तो मैं उसे कमेंट में आप लोगों के से साझा भी करूंगा। और इनके द्वारा किया गया FIR उसे आप लोग पढ़िएगा भी और समर्थन जरूर कीजिएगा। मैं बहन से ही वादा करना चाहूंगा, बहन आपको अपने नंबर में अवेलेबल यहां करा दूंगा, आपको किसी प्रकार से भी शारीरिक आर्थिक किसी भी प्रकार से सर मुझे आपको कुछ भी मदद चाहिए, मुझे उसका जेल जाना चाहिए। ठीक है, मेरे को पता है सर मेरे शरीर के साथ उसने क्या किया है। देखिए देखिए यही मैंने शुरू में ही कहा था, किसी भी महिलाओं का जो सम्मान होता है उसकी लज्जा होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात को समझिए। एक शादीशुदा बहन है, बच्चे हैं, परिवार है, अब इस प्रकार से मजबूर कर दिया कि लोगों के सामने आकर के अपने दुख को बताना पड़ रहा है। तो आप लोग जरूर मदद के लिए सामने आइएगा, जरूर उनके लिए कैंपेनिंग जरूर चलाइएगा और बड़े बड़े अधिकारियों को जरूर टैग कीजिएगा। बहन पूर्ण कोशिश करूंगा कि कानूनन तरीके से और आपके जो निजी वहां के जो लोकल थाना होगा, मुझे FIR या कॉपी आएगी तो मैं अधिकारियों से बात भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, इसकी जो भी पुलिस डायरी बने वो मजबूत डायरी बने और जो सच हो, बिल्कुल जो सच मैं कहना चाहता हूं जो सच हो वो पुलिस डायरी में लिखे। और वैसे अपराधियों को इस पृथ्वी में रहने की कोई जगह नहीं है, उसकी सब एक सिर्फ एकमात्र जगह है उसे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, इससे नीचे उसकी सजा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इस वीडियो में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आप किस प्रकार से बहन की मदद करते हैं इसके लिए जरूर आगे आइएगा। आप सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव।